ग्वालियर शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। शहर के ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए अब सेंट्रल प्लान तैयार हो रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत शहर में कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार किया गया है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, महापौर शोभा सिकरवार ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ ट्रैफिक प्लान पर विचार किया। ट्रैफिक को लेकर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। शहर के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का प्रेजेंटेशन अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी के प्रतिनिधियों ने पेश किया, जिसको लेकर बाल भवन सभागार में शहर यातायात प्लान का प्रेजेंटेशन हुआ। आपको बता दें कि नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत आगामी 20 वर्षों को ध्यान में रखकर शहर का कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार हो रहा है। इसमें बेहतर यातायात व्यवस्था कैसी हो, शहर की सड़कों के हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों, फुटपाथों और चौराहों का विकास, बेहतर पार्किंग व्यवस्था सहित यातायात को सुदृढ़ बनाने के लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं। हमारा रोड भी अच्छे हों और हमारे वाहन, मतलब जहाँ जरूरत है वहाँ पे कहाँ बसें चलेंगी, कहाँ पे ऑटो चलेंगी, कहाँ पे, ये सब चीज़ों के लिए आज चर्चा हुई है और वो पूरा प्रोग्रामिंग दिखाई गई है और उसको देखने के बाद फाइनल करेंगे। 20 सालों को लेकर किया गया है और ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे और शहर, मतलब सड़कों का भी चौड़ीकरण हो, उसके लिए भी इसमें प्लान में बताया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान जो बनाया गया है अर्बन ट्रैफिक की, जो मोबिलिटी प्लान है, इसमें देखा जाता है कि 20 साल के अंदर क्या हमारे चेंजेस होंगे पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ। तो अभी की क्या करंट स्टेटस है वो स्टडी होती है और फ्यूचर में हमारा ग्वालियर कैसा हो उसकी स्टडीज है। तो आज की स्टडी में वो ड्राफ्ट प्लान बनाया है।